है खतरों के खिलाड़ी सीजन 1 की विनर नेत्रा रघुरामन कैसे जी रही है जिंदगी। वेल, क्या है ये पूरी रिपोर्ट, आइए जानते हैं। सुपर मॉडल में सुमार नेत्रा रघुनामन साल 2008 में शुरू हुए खतरों के खिलाड़ी सीजन 1 के विजेता है। इस शो को जीतने के बाद नेत्रा ने एक अलग ही इतिहास रच दिया था। इस शो के पहले सीजन में नेत्रा रघुनामन और उर्वशी शर्मा में काफी भयंकर मुकाबला हुआ था। इस सीजन को होस्ट करते थे अक्षय कुमार। वेल, बता दे नेत्रा सुपर मॉडल होने के साथ साथ ही एक्टिंग की दुनिया में भी काफी एक्टिव रही है। नेत्रा को खास तौर पर भोपाल एक्सप्रेस, तुम हो ना और ऐसे कई यादगार भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। बता दें कि नेत्रा जब शो की विजेता बनी थी, जब उनसे प्राइज मनी खर्च करने का प्लान किया था, तो नेत्रा रघुरामन ने बताया था कि उस वक्त उनको आर्थिक मदद की बहुत जरूरत थी, इसलिए वो इस शो का हिस्सा बनी थी। उन्हें किसी पर्सनल काम के लिए पैसे की काफी जरूरत थी। कहा जाता है कि जब नेत्रा शो की विजेता बनी तो लगा कि वो और फिल्में और टीवी शो करेंगी, अपना नाम कमाएंगी। हालांकि ऐसे नहीं हुआ। नेत्रा ने 2011 में बिजनेसमैन कुणाल गुहा से शादी की थी। एक फेमस क्रिकेटर सुब्रत गुहा के वो बेटे हैं। नेत्रा की एक बेटी है जो कि 11 से 13 साल की है, वो फिलहाल किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी नहीं है। शादी के बाद नेत्रा ने हमेशा के लिए टीवी की दुनिया को अलविदा कहा। कभी टीवी का हिस्सा नहीं बनने पर उन्होंने हमेशा यही कहा है कि वो हमेशा से ही सुपर मॉडल ही बनना चाहती थी और अब वही इमेज के साथ वो जीना चाहती है। बता दें कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 1 की विनर रह चुकी है नेत्रा रघुनामन, जहां उन्हें प्राइज मनी के तौर पर 50 लाख रुपए मिले थे और इस शो के बाद वो कहीं भी नजर नहीं आई है। टेलीविजन से जुड़े तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए टेलीचक्कर के साथ बने रहे।